बॉम्बे गए सी बाबा जी एक बारी किला नंदगढ़ वाले बाबा जी संत कहते बाबा जी ने प्रशादा चुका मैं बड़ा ही मटर पनीर जे वो सजा के थाली जे खीर खूर पा के लिया चंगी तरह मैं प्याज भी कटिया है बिच सलाद पिया ए थाली मूह रखी है बाबे कहने बस साहूआ ये एक रोटी चक ली हाथ ते रख आ ले जा कहते मैं बाबा जी फिर ये बिच अंगूर भी रखे भी छक लो वो गंडे की गंडेल जी सी फड़क आदि मेरा अंगूर बस एक रोटी सिर्फ प्याज नाल ही खा के अरदास करती खादा ही नहीं कुछ आपां सबका थाली देख के कहांगे यार समान घट पाया ते ब्याह दे विच जाके आपां वो कहिंदे ब्याह खाण चले हैं मैं कहना भी पंडता हूं एक दिन पहले ही भुखे रहन लाए भी कल नूं ब्याह खाण जाना है जे 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 उधर लरासा आने लग गया सब खत्म हो जाना थोड़ा बस फिर तक किसी चीज का रस सोना रस रूपा कामण रस परमल की वास रस घोड़े रस सहजा मंदिर रस मीठा रस मास इतों उड ही जाना मन फिर तो रोटी भी ए लगती यार एक रोटी खानी तू यार अद्धी दे दे यार मेरा टाइम खराब नाल नहीं कुछ लैना बस वहीं चब लेंगे एक महात्मा इधर हिमाचल च रहते थे आपकी गुफा च मैं महीने बाद जाके 30 रोटियां ले आई दी बस मंग मंग के वो चाबे जिच तह लटकाना एक रोटी रात को भिओंद के रख दे दी है कहने भिओंक के खा लेगी एक कहते कि रोज रोटी बनावे खावे कि इन्हां पंगियां नूं फसे फिर तो ऐ हो जाता फिर इधरले स्वाद हट जाता फिर कपड़िया की भी इन्नी इच्छा नहीं रहती किसी चीज की इच्छा नहीं फिर तो एक इच्छा भी बस रस आई जाए नाम का कृपा हो जाए वह आनंद ही इन्ना ज्यादा आनंद है ना शरीर सुन्न हो जाता वे हूँ कई नवे नवे इधर लगते हूँ लग तो गए कह ज्ञानी जी शरीर ना ए सुन जहा हो गया मैं यही तो बसता वो जो टका हों मन की एकाग्रता होंगी फिर सुन्न हो जाता सारा कुछ अंतर सुनंग बार सुनंग त्रिपन सुनम सुनंग चौथे सुनने जो नर जाने ताको पाप ना पुनंग जेडे इत्थे महापुरख बाबा भगवान सिंह सीगे उन्हां दी ये अवस्था होनी चाहीदी है उदू गाण ले महापुरख क्योंकि पुराने महापुरख इन्हां चीजां ते बहुत जोर लाउंदे सी एवें नहीं फिर दुनिया इकट्ठी हुंदी एक महापुरख सी उह चादर दे थले छुहारे रख के बह जाणा उन्होंने इको पौड़ी करी नहीं जत पहारा धीर सिंह मतभेद हथियार जिन्हें भी आना इन्हें बाबा जी बच्चे की दात बख्श दो एक छुहारा देना चल भाई हो जूगा मुंडा जा भाजा ग्रिस्तियां तो यही चाहिए चीजा आ दे दो आ दे दो आ दे दो साधु चार पदार्थ जे को मांगा साध जना की सेवा ला फिर साधु देने ही आते दुनिया च पर निरा पूरा साधा तो ना रहो भी आप भी तो कुछ करो ये नहीं कि आप कमाई नहीं कर देखो पांच बाणिया का नितनेम अज तो पक्का करना ये ना क्यों मैं अनपढ़ हाँ अजकल पेन ड्राइव हैगी है अजकल सब कुछ हैगा ला के सुन लो बहुत नैट के उत्ते बहुत कुछ है अजकल ला के पांच बाणिया सवेरे सुननी है शाम को रह रात सुननी है कीर्तन सोला जे कहते घरे बाली रात को दब्बे छप्पे जे पेंदे ने पांच कीर्तन सोले पढ़ के सौवे हाथ पैर धो के जेडे पहले शब्द ने गुरका शब्द रखवारे ताती बोल लग गई जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत राम नाथ निघन जाइ रूत मन में चितमो चितमनी ये शब्द चार ने पांच शब्द सोले देने एक अरदास है दस चीजा करके और संगत तक फोन आते ने प्रैक्टिकली लाइफ है कि पांच मैं सोले पढ़ के सौना है हूँ मैं दब्बा नहीं पैंदा एक सोला करोगे सवेरे जपजी साहब नाल उहदा कोट हट जाना पर जे तुसी पांच सोले करोगे दिने भी शहीद सिंह नाल रहणगे तुहाडे ये फर्क होंदा बाणी नूं आ पिछे जे एक सिंह नूं का 8-10 साल तो कोई बंदा तंग कर रहा सी काले इलम दा मैं उहदे लई बड़े जतन कीते कई थाई महात्मा उह तां ठीक ना हो रहा सी मैं कहा भी तीन जोड़े हाथ आस ही नहीं कर सकते मैं बहुत औखा चार तीन क महीने बाद फोन आया कहना ज्ञानी जी जो लभदे सी घर ही सीगा
मैं किदा कहना मैं आके दसदा आके कहना मैं रात इन्ना तंग मैं इशनान करके कहना जपजी साहब का पाठ ना हौली हौली शुरू किया सुन के सुनते 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 कहना कई चीजा जी खड़ गई कहना पर मैं जपजी साहब करता रहा कर सब उड गए उठ कहना हल्का फुल है मेरा शरीर मैं कह दुखता की है कहता बाणी नू पढ़ना है कन्ना नाल सुनना है ते विचार करनी है फिर अंदर पावर पैदा होता है मैं कह यही तो मैं कथा च साल तो कहता तुरिया हूं कहता बाज हूं चंगा भला ठीक है ये गल मान लो बाणी की एक पंक्ति मैं जाना जिम्मे हीर की लड़ी होंगी है हीरा कोई सिड़दा जेड़ी एक भी पंक्ति पढ़नी कन्न च जानी जरूरी है अंदर विचारनी जरूरी है बस थोनों बाणी की ताकत पता लग जाए की है सारा कुछ थोड़ा बनूंगा वेट करो छे महीने साल माड़ा मोटा तो छेती हो लग जूगा माड़ा मोटा तो दो तीन महीने च शुरू हो जू कम बाकी फिर साल विच होर दो साल च होर तीन साल च होर इन्ना प्रभाव बन जू थोड़ा महाराज कृपा कर ब्रह्म कवच करया करो शस्त्र नाम माला करया करो ब्रह्म कवच तो सारे डरते केसी इशनान तो एवं कुछ करोगे कुछ पाओगे ना जब पानी लाने झोने च उसे गचल गचल करते पैर भी तो फिरते ही मीहां विच भी तो जाके मोटर चला के आने उदों भी तो भिजदे हो तुसीं हुण जे तुहानूं कहने माला सिर च पानी पा के पाठ ही करना मैं ये तो नहीं कहा भी तुसीं मचदी भट्ठी मूहरे बैठो एक माड़ा जा जा जे कोई बीमार है हाथ गिले करके फेर लो ब्रह्म कवच करो एक माला रोज करो दो करो पांच करो जिन्ना गुड़ पाओ कहने उन्ना ही मिठा उन्नी ही कृपा हो जानी इस करके लगो मैं जी कथा की है जे मैनू तुसी ये बदले करोड़ रुपया भी दो तो मैं भी ये चीजा कि दसदा नहीं मैनू भी नुकसान होता कथा बिच भी समझ लो मैं वंडिया सू वंडिया पर मैं कहना मैं ता कथा करा जे तुसी तुरो उसते जे तुसी तुरना ही नहीं आपां तां घर बैठे हुण बस जिन्हें लोड़ है उत्थे आके पुछ लिया करो जो पुछना बाकी मैनू फिर ये भी आ जांदा चलो महापुरशां ने कमाई कर रहे ने मैनू कमाई आले बंदे चंगे लगदे बस इन्होंने कहा इन्हों मैं ना नहीं कर सकिया बाकी तो मैं किन्ने प्रोग्राम ना किए भी मैं इतों नहीं आऊंगा क्योंकि मेरी सेहत खराब हो जाती है लीवर की खराबी थोड़ी जी होर खराबियां शरीर च हो जाए उम्र के हिसाब न भी होंदिया कई कहने तो कई कह के मैं 90 साल का मैं 80 साल का तू हाले छोटी उम्र ही तेरे मैं आस्ट्रेलिया एक ग्रंथी सीगा ओरी दाढ़ी चिट्टी सैकटरी की काली सैकटरी असं पूछे तेरी उम्र कहना मैं 53 सैकटरी कहना आहो कह मैं 53 साल का मैं ग्रंथी सिंह कहने 47 साल का मैं क्या फिर यही दाढ़ी चिट्टी हुई पी है सैकटरी बड़ा तेज सी मैनू कहता एक किलोमीटर वाले चल गए जिनी साड़ी मेहनत हुई भी ना थोड़ी तो उन्नी हुई हुई नहीं तुसी 10 जन्म लवोंगे तो इन्नी मेहनत करोगे इन्नी जिंदगी च मेहनत हुई भी ने मेरी इन्नी मेहनत हुई इन्ने पाठ हुए भी ने इन्नी बैठक हुई भी है रात दिन एक किया फिर हो जाता शरीर खिंचया जाता बहुत ज्यादा ठीक है ना इस करके आया भी तुम सारे ने लगो मैं बार बार कहना भाई बाले साल नहीं है थोड़े को ध्यान रख लो बालियां आसाइया ला के ना बैठे रहो भी ऐ कमा लागे ऐ करांगे वो अमरीका गया हो कनेडा गया वो फलाने थां गया हो रोला पैंदा देखो किदां रोल पैंदा है ये जदों समा आया ना थोड़े सामने ही आना फिर बस फिर उदो थोड़े बाणी ने ही काम आना जिन्हां दी जुड़ी हो लिव उन्हां दे उतरनगे थाल प्रसादियां दे ते जिन्हां दी कुछ भी नहीं उन्हां ते पत्ते ही खाने पैणे दरख्तां दे इस करके संगत सारी बेनतियां प्रवान करो चीजा नूं इगनोर करो टीवी नूं इगनोर कर दो फोनां नूं इगनोर कर दो ये छड्डो परे फोन दी इक फोन तो बचन दा इक तरीका सुच बंद कर दिओ जी बस हाँ मेरी मेरे को फोन मैं बिल्कुल बंद ही किया हो जो कहना चक्या नहीं मैं कहना बस वाइब्रेट ते लाया भाई तुसी अपना तो कम खराब कर लैंदे हो लोगों का ठीक करी जांदे हो इस करके तुसी बंदगी वाले पासे ज्यादा ध्यान दिओ
गड्डी चलाने हो इतों घंटे की वाट है, एक जपजी साहब हौली हौली गा के करी जाओ, चौपी साहब करी जाओ, तुसी उल्टा फोन फिर कानू ला के गड्डी ऐ चलाने हो नाले फोन ते ज्यों जकड़ियां छड़दे हो, फिर तुसी कहने हो जे तो मेरे अर्गा मिल जांदा उदों मन नहीं टिकदा क्या नहीं जी, बड़े चलाक हो तुसी, घंटा तो तू गल्लां करके आया फोन ते उत्ते। महाराज ये फोन फून सच्चे पातशाह लै जाओ, जदे फोन जाणगे दुनिया चो तां तुहाडा भला होगा पातशाह।